दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है इम्प्रेस ऑफ ओल्डर वुमेन, और ये रिलीज हुई थी 1978 में। भाई साहब, मूवी के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, बस तुम इस बच्चे के बारे में एक बार देख लेना तो तुम ये कहोगे भाई साहब बचपन तो इसी ने जी लिया, हम तो बस कंचे ही खेलते रह गए। खैर चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप स्लैशर कंटेंट में इंटरेस्टेड हो या ऐसी ही और भी ज्यादा मूवीज देखना चाहते हो तो मैंने दो अलग अलग चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोनों ही चैनल तुम्हारे भाई के हैं, जो भी पसंद आया उसे सब्सक्राइब कर लेना। स्लैशर पसंद हो तो स्लैशर वाला सब्सक्राइब कर लेना, अगर ऐसी ही मूवीज का पसंद हो तो ऐसी मूवी का सब्सक्राइब कर लेना। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लसुन को। दोस्तों, लसुन के फादर की रिसेंटली ही डेथ हो गई है, इसलिए अब वो अपनी मॉम के साथ ही रहता है, और उसकी मॉम अक्सर अपनी सहेलियों के साथ रहती है। तो यहाँ पर लसुन का उनकी आंटियों को देख देख करके इंटरेस्ट अब आंटीज की तरफ बढ़ रहा है, और बचपन से ही उसकी फैंटेसी है कि वो किसी आंटी को पेल दे। खैर, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये उस समय का टाइम चल रहा है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी आर्मी में ले लेते थे। यहाँ पर वो अपने से बड़े ऑफिसर की जो वाइफ थी उन्हें नहाते हुए देखा करता था, और इसी बीच एक बार वो फंस भी जाता है क्योंकि उसमें से एक लड़की उसे देख लेती है नहाते हुए। पर यहाँ पर वो सोचती है कि बेचारा वो छोटा बच्चा है तो ऐसे ही देख रहा होगा। इसके बाद वो उसे किस करके वहां से चली जाती है, और भाई सब, अब पहली बार जब उसने टेस्ट कर लिया है तब तो अब इनके हार्मोन्स बिल्कुल चरम सीमा पर है। खैर, ऐसे करते करते कुछ साल हो जाते हैं और अब भैया जी हो गए हैं 15 साल के। इस समय पर लसुन काफी सही दिखने लगे हैं तो उसकी तरफ काफी लड़कियां अट्रैक्ट भी होती हैं, और हाल फिलहाल वो एक बड़े बिजनेसमैन के घर में काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो बिजनेसमैन की वाइफ थी, लसुन उन्हें बहुत पसंद करता था। एज ऑलवेज आपको भी पता होगा क्यों वो पसंद करता है, पर अंकल जी के होने की वजह से उसकी दाल नहीं गलती। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अपने लसुन की एक गर्लफ्रेंड भी है, पर वो गर्लफ्रेंड उसे कभी कुछ करने नहीं देती, और इस बात से अपना लसुन बहुत परेशान है। इसके बाद एक दिन जब बिजनेसमैन घर पर नहीं होता है तो लसुन पहुंच जाता है वहां पर, और आंटी अकेली थी तो वो आंटी को किसी तरह से मनाने के लिए उनसे ऐसी बातें करना स्टार्ट कर देता है, और बातों ही बातों में ये बोल देता है कि आप मुझे बताइए आखिर क्या करें अगर किसी लड़की के साथ टपा टप करवाना हो, क्योंकि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे साथ कभी करती ही नहीं। जिसके बाद आंटी उसे थोड़ी टिप्स वगैरह देती हैं, और उन टिप्स को फॉलो करते हुए भैया जी पहुंच जाते हैं उसके बर्थडे के दिन। यहाँ पर लसुन उसे एक गाउन गिफ्ट करता है जिसे पहन करके उसकी गर्लफ्रेंड उसके सामने आती है, जिसे देख करके लसुन के अरमान आसमान चढ़ जाते हैं और वो वहीं पर उसका गाउन अनबॉक्स करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड भी धीरे धीरे बाटली में उतर आई है, और जिसके बाद लसुन अपना बैट लेकर के जाते हैं पिच पर जैसे ही भैया जी ने पहला शॉट मारा तो उधर से बेबी की आवाज आई कि बाबू दर्द हो रहा है। लसुन भैया समझाते भी हैं कि बेटा ये प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, लेकिन वो नहीं मानती, जिसके बाद उन्हें पिच छोड़नी पड़ जाती है, और इस बात से लसुन को बहुत गुस्सा आता। आखिर आएगा भी कि तुम इतने दिन से प्रैक्टिस करके बैठे थे और जैसे ही तुम्हारे हाथ में बैट लगा तुमने उसको क्लीन बोल्ड करवा दिया, ये कोई बात होती है? इस बात से बहुत गुस्सा हुआ अपना लसुन वापस जाता है अपनी मालकिन के पास। यहाँ पर वो उन्हें सारी बात बताता है। यहाँ पर मालकिन भी बताती है कि हमारे सैया जी अक्सर विदेश चले जावत हैं और हमका कुछ होना बतावत हैं, जब भी लौट के आवत हैं तो थके हारे आवत हैं, बस खुद ही हिलावत हैं, हमका तो जरा भी न बजावत हैं। अब लसुन भाई साहब समझ चुके हैं कि आखिर आंटी जी का कहना चाहवत हैं, जिसके बाद वो दोनों कमरा में जावत हैं और पलंग का जोरो जोरो हिलावत हैं, और ये पहले दिन के बाद से इनका कार्यक्रम तो बिल्कुल रेगुलर हो जाता है, और इसी चलते आंटी की जो एक सहेली थी उन्हें भी पता चल जाता है। जिसके बाद एक दिन जब आंटी नहीं थी तो उनकी फ्रेंड लसुन के साथ मजे लेने लगती है, पर इतने में ही आंटी आ जाती है और उन्हें चिपका दे करके, जैसे बचपन में तुम लोग कुत्ते छुड़ाते थे ना पत्थर मार के, वैसे ही आंटी उन्हें छुड़ाती है पत्थर मार के। खैर, उनके छुड़ाने के बाद फ्रेंड तो वहां से चली गई, पर आंटी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि बाबू तुमने तो मुझे चीट कर दिया, मुझे तो तुमसे प्यार हो गया था, पर अब हमारा रिलेशनशिप खत्म, इसके बाद से तुम हाथों से ही काम चलाना। अब बेचारे लसुन के पास कुछ भी नहीं बचा है तो वो जाता है एक बार में। यहाँ पर उसे एक बंदी मिलती है और वो दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं, और बातों के बाद ही वो बंदी डायरेक्टली बोल देती है कि लसुन मुझे तुम्हारा वो चाहिए जो लसुन के आगे लगता है। जिसके बाद लसुन भी समझ जाता है जैसे तुम समझ गए, और वो दोनों जाते हैं एक होटल में, और वहाँ पर वो बेलन कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं जो चलता है संपूर्ण रात और अगले दिन समापन होता है। खैर, इसके बाद से लसुन का ये रोज का काम हो गया, वो रोज अपने से बड़ी किसी न किसी लड़की को इम्प्रेस करता है, उसके साथ बेलन कार्यक्रम करता है और चाट पोछ करके चद्दर रगड़ करके वापस आ जाता है। ऐसे करते करते काफी साल बीत चुके हैं और अब अपना लसुन हो गया है 18 साल का, लेकिन आज भी उसका टेस्ट नहीं बदला, उसे अपने से बड़ी लड़कियां ही पसंद है। इसी चलते एक दिन जब वो एक जगह पर बैठ करके एक लड़की को पटाने की कोशिश करता है पर वो उससे पटती नहीं, और यहाँ पर हो जाती है उसकी गजब बेइज्जती, जिसके बाद वो चली जाती है। पास में खड़ी एक आंटी जो कि ये देख रही थी तो वो उसे देख करके बहुत हंसती है और उसे कहती है कि तुम ऐसे लड़कियां पटाते हो, ऐसे तुमसे कभी न पटेगी।
आंटी को शायद पता नहीं था कि वो किससे बात कर रही है। खैर लहसुन उस पर भड़कता नहीं है बल्कि ये सोचता है कि चलो उसकी ना सही इसकी ही मिलेगी। इसके बाद वो उससे थोड़ा फ्लर्ट करता है और आंटी उसे अपने साथ ले जाती है, पर रास्ते में वो बताती है कि मेरी शादी हो चुकी है। बेचारा लहसुन ये सुन करके बहुत दुखी हो जाता है, पर आंटी ने अगले ही पल कहा कि बेटा दुखी मत हो, तुम्हारा भी चांस है अभी क्योंकि हमारा डाइवोर्स होने वाला है। ये सुन करके लहसुन बड़ा खुश हो गया। जिसके बाद वो दोनों पहुंचे सीधा आंटी के घर। यहाँ पहुंच करके अपने लहसुन को तो वैसे भी सबर नहीं होता, जिसके बाद वो डायरेक्टली ही चाटने पहुंचने लग जाते हैं। पर आंटी ने समझाते हुए कहा कि देखो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तुम्हारे बस फ्रेंड है, फ्रेंड विद बेनिफिट ना समझना। और इसके साथ साथ कुछ और ज्ञान की बातें समझा करके वहां से चली जा रही है। पर उसके पीछे पीछे अपना लहसुन जाता है और उसे एक शायरी सुनाता है। मैं समझता हूँ बाबू कि हमारी दोस्ती यारी है, पर फिर भी ये ठरक भी तो बेचारी है। तुम्हारी बिल्ली भी तो देखो कितने दिनों से कुंवारी है, मेरे मुन्नू को भी तो करनी किसी घोड़ी की सवारी है। अब मान भी जाओ लोड हो चुकी मेरी पिचकारी है, पति के टेंशन मत लो, यार तेरे का फैन मिनिस्टर अधिकारी है, जिसके आगे झुकती हर एक नारी और कन्याकुमारी है। अब बहुत देर हो गई चंपा दुलारी, हमें भी दिखा दो तुम अपनी झाड़ी, मत बनो तुम इतनी अत्याचारी, मान लिया तुम हो मालकिन हम है तुम्हारे भिखारी। लेकिन मानना पड़ेगा भाई साहब, आंटी कतई सख्त है। तो यहाँ पर अपना लहसुन निकालता है ब्रह्मास्त्र, जिसके बाद तो भाई साहब मिलनी ही मिलनी है। तो वो ब्रह्मास्त्र क्या है सुनिएगा। जान खैनी खा के पेलेंगे तुमको, क्योंकि हम है प्योर बिहारी, और हमको लग चुकी है तुम्हारी पुच्ची की बीमारी, हमको पता था तुम ऐसे तो टोगी नहीं, इसीलिए हमने की है नौकरी सरकारी। अब सरकारी नौकरी का नाम सुना है तो भाई साहब कैसे कोई रुक सकता है। जिसके बाद आंटी जी सीधा चिपक जाती है उनके ओस्टों से, और यहाँ पर होता है ओस्ट मिलन। प्रारंभ होता है ओस्ट मिलन से और खत्म होता है गीले बदन से। और इसके बाद से हम देखते हैं कि इनका ये पेलन कार्यक्रम सफर स्टार्ट हो जाता है, जो अक्सर दिन में कई कई बार चलता ही रहता है, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है। जब भी उठो पेलो सो जाओ, उठो पेलो सो जाओ। पर इसके कुछ दिनों के बाद आ जाती है थोड़ी मुसीबत की घड़ी, क्योंकि आंटी को जाना था शहर से बाहर कुछ काम के लिए, और यहाँ पर भैया जी अकेले पड़ जाते हैं अपने हाथ के साथ। अब इतने दिनों के साथ अपने हाथों का प्रयोग नहीं किया है तो इन्हें भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये जाते हैं एक पार्टी में अपना नया शिकार ढूंढने के लिए। एक बंदी इन्हें मिल भी गई, पर भाई साहब पता नहीं उसका मूड क्या हुआ क्या सनका कि वो घर लाकर भी इस चीज के लिए मना कर देती है। जिसके बाद ये बेचारे हिलाते हुए ही घर चले हाथ हिलाते हुए ही घर चले आते हैं। खैर कुछ दिनों के बाद आंटी वापस आ जाती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसने देखा कि आंटी वापस आई है और वो सोई हुई है, तो इनके जगाने का तरीका तो कतई जहर। आंटी सोई हुई थी, ये अपनी टॉर्च को सीधा उनकी सुरंग में डाल देते हैं, मतलब कतई ये अलार्म वाला काम कर रहे हैं कि आंटी ऐसे जगो आप। खैर आंटी भी इससे अति प्रसन्न होती है, पर इनकी ये प्रसन्नता ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, क्योंकि आंटी को अब परमानेंटली ही ये कंट्री छोड़कर जाना था। इसके कुछ दिनों के बाद आंटी उसे गुड बाय करके चली भी जाती है, और अब अपना लहसुन फिर से आ गया है रोड पर। लेकिन लहसुन भैया पता नहीं कौन से मोटिवेशन स्पीकर का मोटिवेशन लेकर आए कि इनका मोटिवेशन कतई खत्म ही नहीं होता, ये कहीं ना कहीं से अपना इंतजाम ढूंढ ही ले रहे हैं। जिसके कुछ दिनों के बाद इन्होंने अपना एक इंतजाम ढूंढ लिया और ये चले जाते हैं उसके साथ पेलन कार्यक्रम करने। पेलन कार्यक्रम इनका बहुत सही जाता है, जिसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते चले भी जाते हैं। मतलब ये सही है, चाटो पोछो और चलते बनो, बाबू मुन्नू सोना पुच्छे नहीं करते। वाह कितने तेजस्वी लोग है भाई। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन फिर से वो किसी बंदी को बैठाता है, उसके साथ चाटता पोछता है, और फिर वो अलग अलग हो जाते हैं। और इसके बाद से इनका ये कार्यक्रम लगातार चलता ही जाता है। मतलब लहसुन भैया कोई परमानेंट जॉब नहीं करते, वो हर दिन अलग अलग जॉब का टेस्ट ले रहे हैं। खैर इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों।